हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को चांदनी रात इस फर्स्ट कविता के पहली इकाई से फर्स्ट कविता जो है हिंदी मीडियम में सॉरी हिंदी के बुक में, उसका आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। इसका पूरा कविता का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डिटेल में, आप लोगों को ज़रूर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैंने हर एक जो पद्य यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंजास, इन सब का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए वो ज़रूर फायदेमंद होगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या सूचना दी हुई है उसके अकॉर्डिंग करना है। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, तो इस बारे में क्या कल्पना है ये हमें लिखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को देखो स्क्रीन में दिया है, उसे लिखना है। पृथ्वी द्वारा मोती बिछराया, मोतियों से संध्या का रूप छलकाना, संध्या सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना, और सूर्य द्वारा मोतियाँ का बटोर लिया जाना। ठीक है, ये चार यहाँ पे आप लोगों को लिखने हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड क्वेश्चन, चांदनी रात की विशेषताएं। तो यहाँ पे चांदनी रात की क्या क्या विशेषताएं है हमें लिखनी है। ठीक है, तो ये आंसर अभी देखिए मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसमें सारे पूरे पोएम के आप लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है, उसे दिया हुआ है आंसर के थ्रू ऐसे। तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखो, ये आंसर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है भाषा बिंदु, यहाँ पे आएगा पर्यायवाची, मतलब हमें जैसे समान अर्थी रहता है उस टाइप में। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है तरु, वसुंधरा, चंद्र, कृषक, उद्यान और है अरण्य। ठीक है, तो इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। तो अभी देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, तरु मतलब क्या होता है, पेड़, दरख्त और वृक्ष। वसुंधरा पृथ्वी, धरती, मही। उसके बाद है चंद्र, शशि, सोम, इंदु। कृषक में आएगा किसान, खेतिहार और अन्नदाता, खेतिहार लिखते हैं अन्नदाता। उद्यान, बगीचा, वाटिका और चमन, वाटिका भी कहते हैं ना हम, कृष्ण वाटिका वगैरह बोलते हैं। अरण्य, अरण्य मतलब वन, जंगल, विपिन। ओके, तो इस तरह से हमने ये पूरे आंसर्स दे दिए हैं, और हमारा यहाँ पर ये पूरा आंसर्स कंप्लीट भी हो गया है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो भी आप लोग ज़रूर अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। और ऐसे मेरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के आंसर्स के साथ में, तब तक के लिए सबको बाय। और यस, मेरे चैनल में मैथ्स के वीडियोस भी आते हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखना।